अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक कब्रिस्तान जाना हुआ और बहुत गमगीन से हो गया हूँ मैं यार, ये कब्रें देखकर। ये देखे इतनी इतनी कब्रें हैं, ये देखे कब्रों का हाल, और ये देखें ये कब्र है बिल्कुल अंदर चली गई है ज़मीन के अंदर और पड़ी हुई है, और ये देखें शिकस्ता हाल कब्रें हैं। और ये वही लोग थे, हम में से थे, और हमने यही आना है जो अपने दौर के बादशाह लोग थे, अपने दौर के बड़े जागीरदार लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, मगर मौत के बाद बंदे का यही हाल होता है। और इंसान यहाँ पर अकेला ही होता है, कोई पास नहीं होता बिल्कुल, और रात हो या दिन हो आदमी ने यहाँ पर अकेला ही रहना है। ये कब्रें हैं शिकस्ता हाल, बहुत दिल अफसरदा हुआ देखकर कि हम जो जीते हैं दुनिया में और दुनिया को ही आखिरी चीज़ समझते हैं, मगर ये नहीं पता कि हमने भी यहीं कल नहीं तो परसों नहीं तो साल बाद, साल नहीं तो कई 5 साल बाद हमने यहीं आना है। मौत का तो पता नहीं बंदे को कि कब आनी है, मगर हम नहीं सोचते और जो करते हैं करते चले जाते हैं, और किसी का हक दबा लिया, किसी की ज़मीन दबा ली, किसी का जो मुश्किलात खड़ी कर दी किसी के लिए, जो मुश्किलात आती हैं दुनिया में, और किसी को तकलीफ़ दे दी। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो सके। और बहुत ये देखे बड़े बड़े लोग हैं, ये इनके पे इनके ऊपर तो कतबे भी नहीं हैं, नाम भी नहीं लिखा हुआ, कतबे भी ख़त्म हो चुके हैं। कहीं ऊपर थे कोई इंतहाई शिकस्ता हाल थे, उनका मुकम्मल नाम मिट चुका था उसके ऊपर से। और ये देखिए सबका ये हाल होना है, क्योंकि अगर वालदन डेथ कर जाए, उनके बच्चे आते रहते हैं कब्र पे, वालदन के बाद उनके पोते होते हैं, पोते आए या ना आए वो बात की बात है, सभी सिस्टम चलता रहता है। और कब्रें यहीं तरह कब्रें बढ़ती रहती हैं, इंसान फिर भी नहीं समझता। हमें समझना चाहिए, किसी का हक ना दबाएं और किसी को तकलीफ़ ना दें, और जो अपने जीते हैं जो लोग प्यारे हैं उनकी कदर करें, तभी हमारा काम चल सकेगा। और जब आप इधर आते हैं ये लोग बिल्कुल अकेले होते हैं, ये वही लोग थे अपने दौर के, ये जागीरदार, कोई चौधरी था, कोई राजपूत था, कोई मलक साहब थे, कोई शाह साहब थे, आज सारे इधर मौजूद हैं, आपको मिलेंगे। कब्र में आपने अकेला ही होना है, कोई आपके पास नहीं होगा। दुनिया में तो चलो आप कहते हैं मेरी फैमिली है, यहाँ पर कोई किसी के पास नहीं होता, आप अकेले ही होते हैं और आपने अकेले ही हिसाब देना है। इसलिए अच्छा काम करें, अपनी नेकियाँ बढ़ाएं, लोगों के काम आएँ, और ताकि आपके अमाल अच्छे हों और लोग आपको याद करें आपको मरने के बाद भी। शुक्रिया, एक हकीकत है ये चीज़ें, और ये इबरत की जा है तमाशा नहीं, दुनिया इबरत की जा है तमाशा नहीं। शुक्रिया वीडियो देखने का, अल्लाह हाफिज़।